दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। MRSE टेक्नीशियन में अफजल आलम के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज आप जानेंगे कि साइक्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं। तो आज हम आप लोग को लाइव दिखाएंगे साइक्रोमीटर कैसे रीडिंग लेते हैं साइक्रोमीटर से। साइक्रोमीटर चार्ट हमारे पास है, समझ गए। और देखिए, इसमें साइक्रोमीटर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसका चार्ट में कि कैसे निकालने का है। तो आप जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ओपन द विक कंटेनर, वेट द विक थ्रूली एंड इंश्योर द विक ऑन द थर्मोमीटर बल्ब इज वेट। मतलब इसके अंदर है ना, साइक्रोमीटर के अंदर ऊपर में ढक्कन है, इसके अंदर आप पानी डालेंगे तो वेट हो जाएगा। वही चीज़ें बोल रहा है कि वेट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, होल्ड द थर्मोमीटर केस हॉरिजेंटली एंड रोटेट द थर्मोमीटर फ्रेम फॉर 15 to 20 सेकेंड। और इसमें क्या है, 15 से 20 सेकेंड आपको इसको रोटेट करना है, राउंडिंग करना है, घुमाना है, इस तरह से आपको घुमाना है। और हर सेकेंड में 3 से 4 बार राउंड होना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है। और फिर उसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है नंबर 3, रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ द वेट बल्ब फर्स्ट एंड ड्राई बल्ब एंड कैलकुलेट द वेट बल्ब डिप्रेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग। मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। चौथा है, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रॉम द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। वेट बल्ब टेम्परेचर में आपको कपड़ा लगाया रहेगा, पहचानने का एक और तरीका है। तो फर्स्ट आपको क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए इसको गीला करेंगे, थोड़ा वेट करने के लिए बोला तो इसको हम वेट करते हैं। सॉरी, थोड़ा पानी नीचे गिर गया। तो अभी ये पॉइंट हमारा गीला हो गया, ठीक है। अभी हम रीडिंग लेते हैं। पंद्रह बीस सेकंड बोला है, आप 30 सेकंड घुमा दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो फास्ट इसको घुमाना है कि अच्छा से रीडिंग मेजर कर सके। चलिए, तो अभी हमने 15 से 20 सेकंड समथिंग घुमा दिया। अभी इसमें हम देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, आइए नज़दीक थोड़ा दिखाइएगा। इसमें देखिए, अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ऊपर वाला में, ऊपर वाले को ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, उसमें 26 है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 26, और ये जो अपना नीचे वाला है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो गीला वाला है, ये हमारा दिखा रहा है 20। आप अगर देख सके इसमें तो कुछ पारा है, आपको साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन ऊपर आप चेक करेंगे तो मालूम चल जाएगा 20। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर 20। तो हमारा उसमें, हम आपको साइक्रोमीटर में हम बताया था कि इसमें क्या ऑप्शन बता रहा है, इसमें डिफरेंस बोल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस में 26 और 20, तो इसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखेंगे, अब क्या इसमें देखिए साइक्रोमीटर में क्या है। ऊपर में रीडिंग जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का है, और ये बगल में जो टेम्परेचर है ये वेट बल्ब टेम्परेचर का है। तो अभी हम इसमें डिफरेंस देखने के लिए बोल रहा है, 6 आया। तो ये जो हमारा 6 आया ना, 26 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर 20, तो ये 6 वाले को हम इस लाइन में देखेंगे। आप इधर देखिए, 0.5 1.0 1.5, तो इस तरह से हम 6, ये 6 पॉइंट हो गया, यहाँ पर 6.0 है, हमारा 6 डिफरेंस आया था। अब इसी को हम, हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आया था, रूम का टेम्परेचर कितना था, 26, तो हम यहाँ पर देखिए 26 है, इस जगह में 26 है। तो ये सीधा आपको यहाँ से 26 के सामने देखना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 26 है, तो इसके नीचे सीधे आ जाएंगे, 6 के नीचे आएंगे तो यहाँ पर 58% है। 58% हमारा जो आ रहा है, 58% RH, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमारा रीडिंग है, RH निकालने का तरीका है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये निकलेगा।
ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर जो हमारा रीडिंग आया उसके बीच का डिफरेंस जो है डिफरेंस 6 है, और उस 6 को हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे। तो साइक्रोमेट्रिक जो चार्ट है इसमें हमने देखा तो हमारा 58% RH आया। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना भी टेम्परेचर रहेगा आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज आपने जाना कि साइक्रोमीटर से हम कैसे RH निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन लोगों को भी फायदा होगा। तो अभी आपने देखा कि साइक्रोमीटर से हम कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इजी प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर ये दोनों के डिफरेंस को हमको यहाँ पे साइक्रोमीटर में देख करके सामने से देख कर निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए 26 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 के सामने 26 के सामने देखेंगे तो हमारा 58% है, तो 58% हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, दूसरा वीडियो आपको हम जल्द ही अपलोड करेंगे कुछ दूसरे नॉलेज के साथ। तब तक लिए दुआ में याद रखें।